ये है 2020 ऑल न्यू होंडा सिटी। इस गाड़ी का आपको और मुझे बहुत महीनों से बेसब्री से इंतजार था, बट थैंक्स टू द कोरोना पैंडेमिक इसकी जो हमारी रिव्यू थी वो मार्च से शिफ्ट होके जून में आ चुकी है। दोस्तों वेलकम बैक टू 91 व्हील्स, मैं हूं बनी पुनिया, ये है ग्रेटर नोएडा एंड द होंडा सिटी। आपके सारे सवाल उनका जवाब मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। न्यू सिटी का वर्ल्ड प्रीमियर इस साल के शुरुआत में हुआ था एंड सिंस देन हम सब ने इसको पिक्चर्स एंड वीडियो में देखा है। हैप्पी टू रिपोर्ट दैट इन रियलिटी यानी कि फेस टू फेस भी न्यू होंडा सिटी शानदार लगती है। शुरू करते हैं नई सिटी के डायमेंशंस को लेके। साइज डज मैटर एंड लास्ट जन सिटी के मुकाबले नया वाला मॉडल अब 109 मिलीमीटर लंबा एंड 53 मिलीमीटर वाइडर है। इसकी हाइट 6 मिलीमीटर लोअर है एंड दिस मीन्स लंबी, चौड़ी एंड नीची। इसकी वजह से इसको एक स्पोर्टी स्टांस मिलता है। फ्रंट एंड इज वेरी इम्पोजिंग एंड बोल्ड है एंड नो डाउट ये सिविक का एक छोटा वर्जन लगता है। ये वाइट क्रोम स्ट्रिप लुक्स थिक एंड जेनरस एंड आपको 9 एरे का LED हेडलैम्प मिलता है एंड द DRLs ये डबल अप करते हैं एज इंडिकेटर्स, दे लुक वेरी कूल राइट। साइड प्रोफाइल को देखें तो होंडा का दावा है कि इसकी शोल्डर लाइन लुक्स लाइक द जापानीज कटाना ब्लेड। यू ऑल्सो नोटिस द न्यू 16-inch अलॉय व्हील्स, ये अच्छे लगते हैं बट 185 mm विड्थ इज अ बिट लेस इन माई ओपिनियन। होंडा सिटी का रियर एकदम नया है एंड डिस्टिंक्टिव भी है। LED DRL गाड़ी की विड्थ को शोकेस करते हैं और बम्पर में वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स थोड़े हटके लगते हैं। ऑल इन ऑल नई वाली सिटी पहले से बेहतर लगती है, डायमेंशन भी बड़ी हैं एंड डेफिनेटली एक प्रीमियम अपील कैरी करती है। इज दिस ट्रू फॉर द इंटीरियर्स एज वेल, आइए देखते हैं। नाउ इंटीरियर्स के मामले में होंडा सिटी ने हमेशा अपने कस्टमर्स को जो अंदर गाड़ी में लोग बैठते हैं उनको हमेशा एक प्रीमियम रिच फील दी है एंड द न्यू वन इज नो डिफरेंट। फॉर स्टार्टर्स बिकॉज ये गाड़ी पहले से लंबी एंड चौड़ी है, इसका केबिन स्पेस एक्स्ट्रा है तो आपको जो अंदर एरीनेस आती है द फीलिंग ऑफ स्पेस वो पहले से बेहतर है। इनफैक्ट देर इज नो एग्जैजरेटिंग द फैक्ट कि ये अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी है। इसके अलावा जो इसका लेआउट है दिस इज कम्प्लीटली न्यू, आई लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल जो इसका स्पीडो कंसोल है वो लेफ्ट साइड पे एक्चुअली एक TFT स्क्रीन है एंड यू कैन स्विच बिटवीन व्हाट यू वांट एंड ऑन द लेफ्ट साइड। जो उसके AC वेंट्स है उस पर आपको एक क्रोम फिनिश मिलती है, सिल्वर फिनिश मिलती है प्लस वो वर्टिकल है तो दे लुक वेरी स्पोर्टी। जो ड्राइवर सीट है अगर मैं मेरे से इंसान आप यहाँ पे आते हैं लंबे हट्टे कट्टे तो स्पेस काफ़ी है। देखिए हम 6 feet टॉल इन स्पाइट ऑफ द सनरूफ मेरे पास यहाँ पे जगह है, आई कैन स्टिल गो डाउन इन टर्म्स ऑफ द सीट हाइट। इसके अलावा जो स्टेयरिंग व्हील है दैट कैन बी एडजस्टेड इन बोथ द वेज तो आपको एक अच्छी जो ड्राइविंग पोजीशन मिलती है वो उसमें इजी होती है। होंडा ने विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम करा है, मैं ये बात करूंगा वाइल ड्राइविंग ऑल्सो, बट इन अ वेरी ब्रीफ थिंग जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं बिकॉज ऑफ मिरर्स उनको रेक्टिफाई करा गया है। सो चाहे शॉर्टर ड्राइवर्स भी हो आपको विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं होगा। वी आर इन द ऑटोमेटिक वर्जन राइट नाउ, प्रैक्टिकल गाड़ी हमेशा रही है। यहाँ पे 3 180 वॉट वाले चार्जिंग आउटलेट्स हैं, एक आगे और 2 पीछे, इसके अलावा 2 USB पॉइंट्स भी यहाँ पे हैं। आपको जो अपने कप होल्डर्स यूज होते हैं यहाँ पे 2 हैं और कप होल्डर्स के आगे देयर इज स्पेस टू कीप योर वॉलेट और योर मोबाइल, 2 जगह हैं वहाँ पे। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको शायद इतना पैम्पर नहीं करेंगी, डोंट गेट मी रॉन्ग इट इज़ अ फीचर लोडेड व्हीकल, बट जो कॉम्पिटिशन है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा देता है, वायरलेस चार्जिंग देता है, पावर्ड सीट्स देता है, वेंटिलेटेड सीट्स देता है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है बट जो टच एंड फील है इस गाड़ी की दैट इज सुपर्ब। कुछ शहरों के अंदर गाड़ी 15 lakh rupees ऑन रोड जाएगी और उसमें जो आप चाहे सीट्स को टच कीजिए द फिट एंड फिनिश ओवर हियर, लुक एट द AC नॉब्स द वे दे वर्क, दिस इज प्रिसिशन, इट लुक्स नाइस। जो आपका AC का मोड होता है स्विच करने का कि हवा कहाँ पे चाहिए, जो आप उसको हिलाते हैं, दीज थिंग्स विल रियली मेक अ कस्टमर फील वेरी वेरी नाइस। सो
द टच एंड फील, द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, द प्रीमियम फील, द विजिबिलिटी पार्ट, द एरीनेस एंड द कंफर्ट फैक्टर, दे ऑल रिमेन ओवर हियर। बट मैंने कहा था कुछ फीचर्स मिसिंग है, उस पर शायद होंडा को फ्यूचर में काम करना चाहिए जो टू अट्रैक्ट मोर यंगर जनरेशन। लाइक वाइज जो मेरा आर्मरेस्ट है दैट इज डज नॉट हैव अ स्लाइट फंक्शन। तो ये छोटी चीजें हैं जिस पे अगर होंडा काम करेगी तो ये अपने सेगमेंट के अंदर पूरी परफेक्ट बन सकती है। सो आगे मैं बहुत खुश हूँ उस गाड़ी को लेके। हाउ इज इट एट द बैक, आइए देखते हैं। नई सिटी की फ्रंट सीट्स भी स्लाइटली स्लिम है और ये रियर पैसेंजर्स को फर्दर एक एरी फील देते हैं। नाउ जो होंडा सिटी है इसकी जो रियर सीट का स्पेस है और जो रियर सीट का जो कंफर्ट है वो हमेशा से सेगमेंट बेस्ट रहा है। नॉट इवन द सियाज कैन चैलेंज द सिटी इन दैट रिगार्ड। और जो नई वाली है दैट इज इम्प्रूव ऑन बोथ दिस पैरामीटर्स। फॉर स्टार्टर्स देखिए जो ये सीट है इट इज पोजिशन फॉर माई हाइट, आई स्टैंड 6 feet tall, मैंने आराम से सीट को ड्राइवर सीट को करा पोजिशन। और पीछे देखिए आई हैव सो मच स्पेस, दिस इज एटलीस्ट 1, 2, 3, 4, 5 to 6 inches ऑफ स्पेस लेफ्ट ओवर हियर। प्लस जो रियर पार्ट है फ्लोर का वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है ऊपर, सो व्हेन आई कीप माय फीट ओवर देयर आई फील वेरी कंफर्टेबल। अगर आपको एक शॉफर ड्रिवन गाड़ी चाहिए सेगमेंट के लिए, लुक नो फर्दर दैन दी होंडा सिटी। इसके अलावा जो सीट का जो कुशनिंग है उस पर होंडा ने काम करा है, दे क्लेम दी कुशनिंग टू बी मच बेटर और ये आपको लॉन्ग राइड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट रखने वाली है। प्रैक्टिकलिटी इज टॉप नॉच, मैंने बात की थी इस पर 3 180 वॉट के चार्जिंग आउटलेट्स हैं, एक आगे और 2 यहाँ पे। एसी वेंट्स, आपके कंफर्टेबल आर्मरेस्ट एंड एक छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको इन द लॉन्ग रन खुश रखती हैं। दोनों सीट्स के पीछे आपको सीट पॉकेट्स मिलती हैं बट उसके अंदर 2 मोबाइल्स को रखने की जगह है ऑन ईच ऑफ द सीट्स। अगर आप पीछे 2 लोग हैं 4 मोबाइल फोन से उनको कंफर्टेबली अब यहाँ पे रखिए, दे कैन बी चार्ज्ड एंड दे कैन बी केप्ट वेरी इजीली ओवर हियर। जो इसका फ्लोर है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो अगर आप 3 लोग बैठते हैं विच इज पॉसिबल, एक गाड़ी बहुत चौड़ी है 3 लोग बैठते हैं तो जो बीच का पैसेंजर है उनके लेग स्पेस के अंदर ये फ्लोर नहीं आएगा आपको। वरना की तरह पीछे मैनुअल ब्लाइंड्स मिलते हैं, आप उनको पुल कीजिए, वेरी गुड फॉर द इंडियन समर। तो ओवरऑल यहाँ बैठ के जो आपको एक फील आएगी स्पेशियस कार की दैट कंटिन्यूज इन द सिटी, इस सेगमेंट के अंदर नो वन कैन चैलेंज द सिटी एज फार एज योर स्पेस एंड योर कंफर्ट गोज। फीचर्स के मामले में न्यू सिटी इज लोडेड। होंडा कनेक्ट ऐप आपको रिमोट स्टार्ट स्टॉप जैसे ऑप्शन तो देता ही है, साथ में ही यू कैन यूज अलेक्सा फंक्शनैलिटी टू स्पीक टू द कार। जैसे कि ये द न्यू कनेक्ट ऐप ऑल्सो हैज लॉट ऑफ मोर फंक्शनैलिटी इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर अमेज़न अलेक्सा। You can give commands via the phone's app or if you have it at your home, you need to connect it, of course. Once done, you can ask the app a lot of things about your city. For example, open Honda. Welcome back to Honda. How can I help you today? Check fuel level, please. Fuel level is high with the car's tank at 66% capacity. Boot space 506 liters ki hai, jo is segment ke liye among the best hai. तो ये दिखती प्रीमियम है, इंटीरियर स्पेशियस एंड मॉडर्न है और इसकी ड्राइव सो बात करते हैं नई सिटी के इंजन्स के बारे में। वही मिलते हैं 1.5 पेट्रोल एंड 1.5 डीजल। मैं बात करता हूँ पेट्रोल इंजन को लेके, ये हमेशा से ही होंडास के पेट्रोल इंजन हमेशा से ही बहुत ही अच्छे रहे हैं फ्रॉम इंथुजियास पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जो टॉप एंड जोन के अंदर 4000 आरपीएम के ऊपर जो आपको एक किक मिलता है, जो परफॉर्मेंस मिलती है वो हमेशा से बेकरार रही है एंड द न्यू सिटी इज नो डिफरेंट। माफ़ कीजिएगा इट्स रेनिंग राइट नाउ, तो आपको शायद रेन्स की ड्रॉपलेट्स की थोड़ी आवाज़ आएगी, सुहाना मौसम है तो माफ़ कीजिएगा। बट इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अबाउट दी परफॉर्मेंस, तो जी हाँ हमेशा की तरह अभी मैं पेट्रोल चला रहे हैं, हमेशा की तरह इसके अंदर एक जो एक इंतजियास के लिए मज़ा रहता है, पंच रहता है, वो चीज़ अभी भी है, वो बदली नहीं है। होंडा ने इसके लो एंड टॉर्क पे थोड़ा काम ज़रूर करा है, जो आपको शहर के लिए चाहिए होता है, आप स्लो ट्रैफिक के अंदर हैं, हायर गियर में हैं, 1500 RPM पे हैं, 2000 RPM पे, तो वहाँ पे जो आपको टॉर्क चाहिए होता है उसमें स्लाइटली बम्प आया है एंड यू कैन फील इट। लाइक मैंने यूटिल लिया है सेकंड गियर के अंदर, हम 13 की स्पीड पे हैं,
16, 20, 25, 30 तो आना शुरू हो गए हैं। जैसे आप 3,500-4,000 रकम से ऊपर जाते हैं तो गाड़ी की आवाज़ अच्छी होती है एंड इट रियली पिक्स अप स्पीड्स वेरी इजीली। भगाने के मामले में कोई इशू नहीं है। लो एंड पंच इम्प्रूव हो चुका है, इतना अच्छा नहीं जितना मुझे चाहिए था फ्रेंकली, बट इम्प्रूव हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 45 की स्पीड पे हूँ, 14 गियर में ट्रैफिक के अंदर हूँ, मुझे थोड़ा ओवरटेक करना है ट्रैफिक को, सो इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है, बट इट इज़ नॉट फॉर एग्जाम्पल इन द लीग ऑफ दी सियाज 1.5। सियाज 1.5 का पेट्रोल का जो लो एंड है, जो मिड रेंज है, वो बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा पिछली सिटी के अंदर आपको एक 5-speed मैनुअल मिलता था पेट्रोल के साथ, वो 5 से 6 हो चुका है। गियर शिफ्ट क्वालिटी वही है जो पहली वाली सिटी में थी, इट्स नॉट सुपर सॉफ्ट, सुपर स्मूथ, स्लाइट नॉची फील है जो एक्चुअली अच्छी होती है। ओवरऑल इट्स अ मैच्योर फील फ्रॉम द गियर बॉक्स। क्लच भी ज़्यादा हैवी नहीं है तो उस मामले के अंदर अच्छी बात है। NVH लेवल्स के अंदर, नॉइज वाइब्रेशन हार्श लेवल्स के अंदर होंडा ने और भी इम्प्रूवमेंट्स करी है। पिछली वाली सिटी वॉज वेरी गुड और इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट करी है, बेटर एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स एट डिफरेंट प्लेसेस, और उसके वजह से अगर आप स्पीड्स पे हैं तो आप आराम से अपने पैसेंजर से बात कर सकते हैं। दैट सेड, हायर स्पीड्स पे अभी रोड गीली है बारिश की वजह से, तो मुझे लगता है कि हायर स्पीड्स पे अभी भी जो रोड नॉइज़ है आई थिंक आप सुन सकते हैं। अभी मैं 60 पर हूँ, 70 पे हूँ, आई थिंक आप सुन सकते हैं थोड़ा बहुत भी। अगर रोड पे कंकड़ हैं या अगर आप स्प्लैश कर रहे हैं तो रोड नॉइज़ थोड़ा सा अंदर से आ रही है, टायर नॉइज़ आ रही है, बट इसके अलावा स्लोअर स्पीड्स पे अगर बाहर ट्रैफिक है, हॉर्न्स हैं, वो अंदर नहीं आएगा। तो ये बात की पेट्रोल मैनुअल की। कुछ देर पहले हमने पेट्रोल ऑटोमेटिक चलाया था, सिटी में आपको CVT ऑटोमेटिक मिलता है। नाउ CVT स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, और शहर के लिए जहाँ पे आपको पार्ट टोटल रिस्पॉन्स ये होता है, आप देखते हैं कि गैप बना को ओवरटेक करना है, वहाँ के लिए CVT लाजवाब है। बेसिकली इन्फिनिट रेशियोज होती हैं CVT के अंदर, तो जब आप चलाते हुए गाड़ी को कोई गियर शिफ्ट का आपको फील नहीं होता बिकॉज इन्फिनिट गियर्स हैं। ऑफ कोर्स पेडल टू मेटल वो आवाज़ करती है, अगर आप पेडल दबाते हैं पेडल टू मेटल वो आवाज़ करती है, सो वहाँ पे आई वुड फील कि मैनुअल इज़ बेटर और अ नॉर्मल कन्वेंशनल ऑटोमेटिक इज़ बेटर। बट मेरे ख्याल से 90% ऑफ सिटी ओनर्स जिनको शहर के लिए गाड़ी चाहिए और महीने दो महीने में बड़ी उनको हाईवे पे जाना है, उनके लिए CVT बहुत बहुत सही रहेगी। इसके अलावा CVT में आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, तो अगर आपको कंट्रोल चाहिए ओवर दी गियर शिफ्ट्स, आप पैडल शिफ्टर से ले सकते हैं। फ्यूल इकोनॉमी CVT की बेटर है एज कम्पेयर टू मैनुअल। जी हाँ, CVT ऑटोमेटिक आपको बेटर इकोनॉमी देती है, मेनली बिकॉज इन्फिनिट रेशियोज हैं। जब आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं, लो RPM पे गाड़ी चलती है, तो स्लाइड इकोनॉमी का आपको प्लस पॉइंट मिलता है। अब मैं बात करता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट डीजल सिटी के बारे में। ये 1.5 डीजल सबसे पहले अमेज़ के अंदर आता बहुत साल पहले, इन दी फर्स्ट जनरेशन अमेज़, एंड तब से लेके अभी तक जब मैंने डीजल गाड़ी चलाई सिटी, आई हैव बीन वेरी वेरी इंप्रेस्ड। इनफैक्ट मेरे रियल ब्रदर के पास एक होंडा अमेज़ डीजल है, वो 1.5 लाख किलोमीटर चला चुके हैं एंड मैकेनिकली इट्स अ बुलेट प्रूफ इंजन, तो दैट इज सॉर्टेड। उसका जो टॉर्किनेस है, बहुत टॉर्क है गाड़ी के अंदर, अच्छे RPM पे आता है। ऑन पेपर आपको लगेगा कि बाकी गाड़ियाँ टॉर्क ज़्यादा निकालती हैं, फॉर एग्जाम्पल द वरना, बट जिस तरह टॉर्क आता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो स्लो मूविंग ट्रैफिक के अंदर टर्बो लैग कम है, टॉर्क आराम से आता है। ऑफकोर्स जब भगाना है तो आपको पता है कि डीजल मोटर है, डीजल की आवाज़ आती है, डीजल की वाइब्रेशन आती हैं, बट अगर आप नॉर्मल शहर में देखते हैं जो 90% कस्टमर्स करने वाले हैं, जो हाईवे पे जाएंगे आप, 6 speed आपको मैनुअल मिलता है, तो हाईवे पे वो 6 speed की वजह से इकोनॉमी अच्छी आती है, शहर में टॉर्क मिलता है। सो टू समराइज, मैनुअल वाला जो सिटी है वो अभी भी इंथुजियास्ट डिलाइट है। CVT इज़ अ थम्स अप फॉर सिटी यूसेज। आई एम अ बिग फैन ऑफ CVTs जो आपको गाड़ी शहर में चलानी होती है। अगर आप ड्राइविंग बहुत करना चाहते हैं 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दिन का, तो आप डीजल लीजिए, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। एंड एक फिर एक खाली सड़क मिली है, आपको दिखाते हैं, गाड़ी साउंड्स वेरी गुड, यू कैन हियर दैट, दी VTEC, दिस इज एक्सप्लोसिव। 6,800 RPM पे जाके इसका लिमिटर आता है, दिस इज वेरी वेरी इंजॉयबल। इसके अलावा अगर बात करें एज अ डेली ड्राइव फ्रॉम ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, आपकी जो हैंडलिंग होता है, स्टीयरिंग होता है, मैं काम करता हूँ, आगे यू टर्न आने वाला है, एंड आई शो यू वन थिंग। स्लो स्पीड्स पे मुझे मेरी गाड़ी में ये चाहिए, देखिए द स्टीयरिंग इज लाइट, हैवी नहीं है, एंड लाइट स्टीयरिंग आपकी डेली ड्राइव को बहुत अच्छा बनाता है।
एक चीज होंडा ने बहुत करी है कि जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं आपके जो रियर व्यू मिरर्स के आसपास का एरिया होता है, कई बार ये ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, आप देख नहीं पाते आसपास क्या है, दैट हैज बीन रेक्टिफाइड। इसके मिरर्स को स्लाइटली पीछे पुल करा गया है, तो नो मैटर अगर आप शॉर्ट ड्राइवर भी हैं, वहाँ पे जो ए पिलर और मिरर के बीच में जो जगह बन गई है उसकी वजह से आई कैन सी कोई है तो नहीं आसपास ट्रैफिक में, तो ब्लाइंड स्पॉट्स पे काम करा गया है फॉर अ ड्राइवर, जो यहाँ से व्यू आती है आपके आगे रोड की उस पर काम करा गया है। सो विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी इन ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू सिटी पुराने वाले से बेहतर है। सीट कंफर्ट लेवल्स हैव ऑलवेज बीन देयर, दिस इज नो डिफरेंट। आई स्टैंड 6 feet tall, मेरे पास स्पेस भी है, गाड़ी चौड़ी भी है, मगर एज एन ओनर अगर मैं 15 lakh rupees स्पेंड करूंगा तकरीबन फॉर द न्यू सिटी, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो इसके अंदर नहीं है। पावर्ड सीट नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, कूल सीट्स नहीं है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करता है। ऑफ कोर्स अगर मुझे लेफ्ट जाना है, लेफ्ट इंडिकेटर देने पे आपके यहाँ पे स्क्रीन पे लेफ्ट जो मिरर के अंदर कैमरा है वो ऑन हो जाता है, तो लेफ्ट इंडिकेटर देने पे यू सी कि पीछे क्या आ रहा है, सेफ्टी वगैरह है, बट कई बार यू वॉन्ट टू बी पैम्पर्ड, आपको वायरलेस चार्जिंग दिखानी है फ्रेंड्स को, आपको गर्मियों में सीट्स को ठंडा करना है, आपको पावर्ड सीट चाहिए, तो ये चीज़ें सिटी के अंदर नहीं है, कॉम्पिटिशन के पास है। सो दोस्तों ये थी होंडा सिटी 2020, दी ऑल न्यू फिफ्थ जनरेशन मॉडल। इस फिफ्थ जनरेशन मॉडल को इंडिया में आने को 7 साल लग गए, जो फोर्थ जनरेशन था वो 2013 में आया था, इट टुक 7 years, बट आई थिंक द वेट हैज बीन वर्थ इट। बहुत महीनों के बाद मुझे किसी गाड़ी को चला के इतना मजा आया, इतना सेटिस्फेक्शन मिला, आई एम अ बिग फैन ऑफ द न्यू होंडा सिटी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सेगमेंट है वो काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, फ्रॉम द अफोर्डेबल रैपिड टू द अफोर्डेबल सियाज टू द स्पोर्टी वरना टू दिस वन। ये गाड़ी जब मार्केट में लॉन्च होगी तो ये डेफिनेटली एक 5 से 10% प्रीमियम लेके उतरेगी, तो मेरे ख्याल से जो प्रीमियम आप पे करेंगे एज अ कस्टमर वो डेफिनेटली बेहतर रहेगा, चाहे इसका डिज़ाइन हो, चाहे इसकी स्पेस हो, चाहे अंदर रिच इंटीरियर्स हो, चाहे कम्फर्ट लेवल्स, चाहे इंजन, आप किसी बारे में बात कीजिए ये गाड़ी अच्छी उतरती है। ऑफ कोर्स आई डू एग्री इसके अंदर एक चीज मिसिंग है और वो है इसका डीजल ऑटोमेटिक, बट उसके अलावा द होंडा सिटी इज बैक टू रूल द सेगमेंट। अगर आप मार्केट में हैं फॉर अ न्यू सेडान इन द 9 to 12 lakh की ब्रैकेट, तो मेरा कहना ये है दोस्तों अपने बजट को थोड़ा एक्सपैंड कीजिए, अपने लोन टेन्योर को थोड़ा लंबा कीजिए, क्योंकि ये गाड़ी जब इसको चलाएंगे आपकी फैमिली उस पर बैठेगी, डेफिनेटली विल बी वर्थ इट। आपको गाड़ी कैसी लगी बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑफ कोर्स गाइस वी डू नीड योर सपोर्ट, तो आपको दो चीजें करनी है, ए हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बी आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।